Hi everyone, a very good evening to all of you. So as we all know, RBI Grade B 2024 notification is finally out. So when the notification is out, it becomes our duty, it becomes our responsibility to discuss the previous year cutoff. We need to analyze the previous year cutoff so that we can strategize our preparation. I know you will say that, okay, vacancies are very less, then what is the point of analyzing the cutoff? I know the vacancies are very less. It is a truth for all of us. So we need to accept that and we need to strategize our preparation without any worries, right? I know there must be certain worries among all of you. हमारे अंदर भी है, हम भी परेशान हैं. ऐसा मत सोचो कि हमें बड़ी खुशी हो रही है या हम बहुत नॉर्मल है. नहीं, हमें भी नहीं अच्छा लग रहा है इतनी कम वैकेंसीज आई है, बट ठीक है, दिस इज आर सत्य, ये हमारा सत्य है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ. We are going to strategize the preparation, how many questions we need to attempt in any particular section, and what are the chances of, what are the possibilities of cutoff in the year 2024. Alright, so let's begin with the session and let's first of all do the previous year cutoff analysis. If I talk about the year 2023, the toughest paper मैंने जितने भी पेपर्स देखे हैं आरबीआई के, उनमें सबसे ज्यादा टफ पेपर 2023 का था. जीए का सेक्शनल कट ऑफ वाज 12 मार्क्स, रीजनिंग 9 मार्क्स, इंग्लिश एंड क्वांट वर 4.5 एंड द टोटल कट ऑफ, द ओवरऑल कट ऑफ वाज 54.25. द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ग्रेड बी जनरल, ग्रेड बी जनरल मतलब जनरल स्ट्रीम, द नंबर ऑफ वैकेंसीज वर 222, राइट. 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो सेम सेक्शनल कट ऑफ थी, सेम सेक्शनल कट ऑफ थी एज इन 2023, बट इट वाज द ओवरऑल कट ऑफ वाज 63.75 एंड द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वर 238, राइट. इफ आई टॉक अबाउट द ईयर 2021, देन एट दैट टाइम द जीए कट ऑफ, द जीए सेक्शनल कट ऑफ वाज 16 बिकॉज द पेपर वाज कंपैरेटिवली इजीयर टू 2023 एंड 22. Sectional cutoff of reasoning was 12 and of quant and reasoning were 6. The overall cutoff was also a bit higher than 2022 and 23, 66.75, and the total number of vacancies were 270. 2019 aur 18 pe zyada focus aapko nahi karna hai because the paper, the level of paper was very very easy in 2019 and 18. 2019 the paper was very very easy. In fact, you can see the overall cutoff was 122. Same in 2018, the overall cutoff was 105.75. So, अगर हम आजकल के पेपर का ट्रेंड देखें, so we need not focus much on 2019 and 18. But वो भी यूजफुल हो सकता है अगर आपका पेपर का लेवल 2019 के लेवल पे पहुंच जाए, right? Because we don't know. कैसे 2021 से पेपर टफ होना शुरू हुआ, उसी तरीके से 2024 से वो इजी होना वापस से शुरू भी हो सकता है. We don't know anything about this, right? It is just, you know, a matter of chance. All right. So, अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो GA में 12 है cut off, reasoning में 9 है, quant और English में 4.5 है, और overall कितना है 54.25. Now, people face a lot of problems in quant and reasoning. बहुत सारे लोगों का quant और reasoning का sectional cut off नहीं निकलता है. English और GA तो obviously sectional निकाल लेते हैं, and English and GA are the subjects which will be, you know, which should be, which must be used for clearing the overall cut off. ठीक है, जो ओवरऑल कट ऑफ होगी वो आपकी कहां से निकलेगी, जीए और इंग्लिश से, राइट. व्हाइल इन द रीजनिंग एंड क्वांट यू कैन फोकस ऑन क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ, एस्पेशली इन क्वांट, रीजनिंग में भी हो जाता है, सेक्शनल कट ऑफ में आपको, क्वांट में आपको सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने पे फोकस करना चाहिए पहले, राइट. तो कितने नंबर लाने, 4.5 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस डोंट यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू you will be able to score 4.5, यानी कि 5 क्वेश्चन भी अगर आपको सही करने हैं तो क्या आप नहीं कर सकते, राइट. ऑफ कोर्स कर सकते हो. तो आपको टारगेट ही कितने करने हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच नॉर्मलाइजेशन कर्व पर आगे भी आपके 5 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है. तो मेरी आपको सजेशन ये रहेगी कि आप 10 क्वेश्चंस को टारगेट करके चलो तो आप 8 कर पाओगे. यू हैव टू टारगेट 10 क्वेश्चंस इन क्वांट, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 8, राइट, एंड देन यू विल बी इजीली, देन यू विल easily be able to clear the sectional cutoff of quant. Same goes with reasoning. Reasoning mein 60 questions hote hai, right? Reasoning mein there are 60 questions in 45 minutes. 45 minutes mein 60 questions hote hai, theek hai?
तो अब आपको इन 60 क्वेश्चंस पूरे तो नहीं करने, ठीक है, 45 मिनट्स में यू कैन टारगेट 20 to 25 क्वेश्चंस, 20 to 25 क्वेश्चंस भी अगर आपने टारगेट कर लिए तो उसमें से 9 तो आ ही जाएंगे ना यार, 9 तो आ ही जाएंगे, राइट। एंड 20 to 25 में नॉर्मलाइजेशन भी कर दोगे तब भी 9 मार्क्स तो आराम से आपके आने वाले हैं, तो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो और जीए और इंग्लिश में तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आपको सेक्शुअल कट ऑफ निकालनी है, यू नीड टू स्कोर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल इन जीए एंड इंग्लिश। और ये मैं बात कर रहा हूं तब की जब लेवल ऑफ एग्जामिनेशन 2023 का हुआ। इफ द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बी चेंज्ड टू 2019 देन ऑब्वियसली इट विल बी वेरी इजियर, वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी एंड यू हैव टू स्कोर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल इन ऑल द फोर सेक्शंस, राइट। सो दैट इज द कट ऑफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 2024 बिकॉज पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड अगेन अगेन एंड अगेन दैट नाउ द वैकेंसीज हैव बीन डिक्रीज, सो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द कट ऑफ। सी द कट ऑफ डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, द वैकेंसी इज नॉट द ओनली फैक्टर विच कैन इंपैक्ट द कट ऑफ। देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन इंपैक्ट द कट ऑफ, लाइक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, लाइक वैकेंसीज इज ऑल्सो वन ऑफ दी फैक्टर, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग पेपर देने जा रहे हैं इस साल उनका लेवल क्या है, एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। दीज आर द फोर फैक्टर्स विच कैन इम्पैक्ट द कट ऑफ। नाउ अब क्योंकि डिक्रीज हो गया है वैकेंसी, जो वैकेंसी वाला जो हमारा वेरिएबल है वो तो हमें पता है कि कम हो गया। नाउ अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें, राइट, अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कट ऑफ की। देखो वैकेंसीज तो डिक्रीज ही है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो सकता है डिक्रीज हो जाए इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, लेट्स से 1/3 हो गई है वैकेंसी तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी 1/3 हो गए, और डिफिकल्टी लेवल भी कैसा रहा, सेम रहा, डिफिकल्टी लेवल भी कैसा रहा, सेम, देन इन दैट केस द कट ऑफ विल रिमेन अप्रोक्सीमेटली सेम। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सेम रहेगी, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी, राइट। नाउ इफ द वैकेंसीज आर डिक्रीज्ड, वैकेंसीज आर डिक्रीज्ड एक्चुअली, एंड इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रिमेन्स द सेम एज द लास्ट ईयर 2023 के जितने लगभग 1,50,000, राइट, एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल्सो रिमेन्स द सेम, देन डेफिनेटली द कट ऑफ विल गो अप, द कट ऑफ विल गो अप। कट ऑफ क्या होगा, ऊपर हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी उतने ही है अभी भी और डिफिकल्टी लेवल भी उतना ही है, तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा। वाई, बिकॉज दे विल हैव टू सिलेक्ट लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, राइट। Now, if the number of applicant decreases and the difficulty level of the examination also decreases, number of applicant भी कम हो गए और by chance RBI को लगा कि चलो यार हमने vacancy इस बार कम निकाली है तो चलो exam जो है वो student को एक जगह पे, applicant को, candidate को एक जगह पे थोड़ी सी राहत दे देते तो difficulty level कम कर देते, तो in that case दोनों possibility हो सकती है, cut off आपकी बढ़ भी सकती है because of the decrease in the difficulty level, और cut off आपकी same भी रह सकती है because of the decrease in the number of applicants, राइट। और एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट सेम रहे लेकिन डिफिकल्टी लेवल कम हो जाए, तब तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। सो दीज आर सम ऑफ दी पॉसिबिलिटीज जो कि वैकेंसीज के साथ, वैकेंसीज के कम होने की वजह से कट ऑफ के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। नाउ यू विल से कि भाई ये आप इतनी अफर्मिटी के साथ, इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज पॉसिबिलिटीज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर द पॉसिबिलिटीज, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग दिस, ठीक है। हो सकता है कुछ और ही वेरिएबल आ जाए क्योंकि मैंने इसमें स्टूडेंट्स का जो लेवल है, आप लोगों का जो लेवल है मुझे नहीं पता अभी, जो लोग एग्जाम देने जाएंगे उनका लेवल क्या है वो भी नहीं पता, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो बेसिकली पॉइंट अब ये है कि कट ऑफ को हमने पिछले साल की जो कट ऑफ देखा उसने उससे हमने ये स्ट्रेटेजाइज किया कि हमें कितने कितने क्वेश्चंस किसके सेक्शन में करने हैं, प्रोवाइडेड दैट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन शैल रिमेन द सेम इन दिस ईयर एज वेल, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये देख लिया कि वैकेंसीज जो कम हुई है उस पर कट ऑफ की कम होने की या ज्यादा होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे या ज्यादा होंगे, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन अगेन वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, बट ये पॉसिबिलिटीज हैं, और ये पॉसिबिलिटीज अगर होंगी तो सबके लिए होंगी, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। नाउ पीपल विल से कि आप तो बड़े आराम से कह रहे हो वैकेंसी कम हो गई है, तो देखो यार
मैं फिर से बोलूंगा कि वैकेंसीज कम हुई है, ये हमारा सत्य है, राइट। अब इतने 6 महीने से या 5 महीने से आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते आ रहे हो, तो मुझे ऐसा बिलीव है, मैं ऐसा मानता हूं, बिकॉज मैं भी एस्पिरेंट रहा हूं, राइट। तो मुझे पता है कि आप वैकेंसीज के कम होने की वजह से डिमोटिवेट डेफिनेटली होगे, लेकिन आप एग्जाम देना तो नहीं छोड़ोगे, ठीक है। मुझे पता है ये बात, आप कुछ भी कर लो, भगवान भी आपको नीचे उतर के आके कह देंगे कि एग्जाम छोड़ दे बेटा, तो आप नहीं छोड़ोगे, बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट, है ना। आप सबके मन में अभी एक दुविधा चल रही होगी कि यार क्या करूं, छोड़ दूं क्या, बट एक मन ये भी कह रहा होगा कि हाँ चलो दे देते। तो आई लीव इट टू यू, मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल प्रेशर डालने नहीं बैठा मैं आपके ऊपर, बट हाँ मैं ये बोलूंगा कि यस, इतने महीने से 6 महीने से अगर आप मेहनत करते हुए आ रहे हो, सो उसको वेस्ट मत होने दो, लेट अस गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट, डू नॉट, अपने हथियार जो है वो ऐसे समय पे मत डाल, ठीक है। All right, guys, so that's all which I wanted to discuss in this particular video. I hope you guys have understood the cutoff. I hope you guys have understood the impact of vacancies on the cutoff. I will see you in some of the next session. Till then, keep studying and keep studying harder now. Thank you very much. Goodbye, take care, and God bless.